नमस्कार, मेरा नाम है शिखा तिवारी और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। यूपी के हमीरपुर जिले में रहने वाली दो किशोरियों ने कानपुर जिले के घाटमपुर में ईंट भट्टे में सामूहिक दुष्कर्म के बाद आत्महत्या कर ली, जिसके एक सप्ताह बाद ही पीड़ित के पिता ने भी फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। ग्रामीणों में चर्चा है कि आरोपी भट्टा संचालकों की ओर से परिवार को राजीनामा करने की धमकी मिल रही थी, इसके साथ ही जिसके चलते पिता ने आत्मघाती कदम उठा लिया। आपको बता दें, इस मामले में कांग्रेस बीजेपी पर जमकर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा है कि कानपुर में गैंगरेप से पीड़ित दो नाबालिग बच्चियों ने आत्महत्या कर ली, अब उन बच्चियों के पिता ने भी आत्महत्या कर ली। आरोप है कि पीड़ित के परिवार से समझौता करने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में पीड़ित बच्चियां महिलाएं अगर न्याय मांगती हैं तो उनके परिवार को बर्बाद कर देना नियम बन चुका है। उन्होंने आगे कहा कि उन्नाव, हथरस से लेकर कानपुर तक जब भी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उनके परिवार को बर्बाद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस जंगल राज में महिला होना भर भी अपराध हो गया है, जहां कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है। आखिर प्रदेश की करोड़ों महिलाएं क्या करें, कहां जाएं? गौरतलब है कि हमीरपुर जिले के सिसोलर झाना क्षेत्र में एक गांव के निवासी परिवार कानपुर जनपद में घाटमपुर स्थित ईंट भट्टों में परिवार सहित मजदूरी करने गया था। फरवरी महीने में भट्टे के ठेकेदार वहीं पर बेटे रज्जू व भांजे संजू ने दोनों ही किशोरियों को शराब पिलाने के बाद उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म करा और उनका वीडियो और फोटो बना लिया। और जो आहत किशोरी थी, उनके 28 फरवरी को ईंट भट्टे पर उन्होंने पेड़ पर अपना फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कानपुर की घाटमपुर पुलिस ने आनन फानन में यह मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को वहीं पर रज्जू संजू को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दोनों आरोपियों के मोबाइल पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेज दिए। ग्रामीणों में यह चर्चा है कि इस घटना के बाद से ही भट्टा संचालकों की ओर से जो पीड़ित परिवार है उन पर इस मामले में समझौता करने के दबाव बनाने की धमकी दी जा रही थी। वहीं गांव वाले ये बताते हैं कि बीते सोमवार को घाटमपुर में आई एक महिला ने भी पीड़ित परिवार को धमकी दी थी। पीड़ित पिता ने गांव में 1.5 किलोमीटर दूर नाले के पास बबूल के पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली और सूचना सीओ श्रीयश त्रिपाठी ने घटनास्थल की जांच की और शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। ये घटना बेहद ही शर्मनाक नजर आती है और इस पर सरकार को सोचने की जरूरत महसूस होती है। फिलहाल अभी इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।